हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास बेटा प्लस टू है और आज हम फिफ्थ जो मैंने आपको पोइम पढ़ाई थी कल द क्वालिटी ऑफ मर्सी है ना, उसके हम आज पहले सेंट्रल आइडिया करेंगे और उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो समरी क्या है, द पॉइट सेज दैट मर्सी इज़ द हेवनली क्वालिटी। पॉइट कहता है, पॉइट कौन है, शेक्सपियर। वो कहता है कि जो दयालुता है वो एक स्वर्ग की क्वालिटी है। इट हैज़ इट सीट इन द हर्ट। वो कहाँ रहती है, दिल में। इट स्प्रिंग्स इन द हर्ट एज नेचुरली एज द जेंटल रेन फॉल्स फॉर द हेवन। वो इस तरह से उछलती है हमारे दिल से जैसे कि स्वर्ग में कोई रेन हो रही हो। इट डज नॉट वर्क अंडर एनी कॉम्पलेशन। ये किसी ज़बरदस्ती से काम नहीं करती, ये दया किसी पे ज़बरदस्ती से नहीं आती। मर्सी गिव्स डबल ब्लेसिंग। मर्सी को डबल ब्लेसिंग देती है। इट ब्लेस बोथ द गिवर एंड द टेकर। जो ब्लेस करता है, जो जिसको दया आती है वो भी ब्लेस्ड है, और जो दया जिस पे दया की जाती है वो भी ब्लेस्ड होता है। द गिवर विंस द लवर ऑफ लव ऑफ गॉड। दया करने वाले को भगवान का प्यार मिलता है। एंड टेकर इज रिलीव्ड ऑफ द पेन ऑफ मर्सी। और जिस पे हमने दया की है वो अपने दुख और दर्द से छूट जाता है। मर्सी इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। दया परमात्मा में भी एक अलग सी स्पेशलिटी है। इवन इन पुनिशिंग द सिनर, अगर हम पापी को सजा देते हैं, ही इज गाइडेड बाय मर्सी। वो तो उसको दया से गाइड करना चाहिए। दस अ किंग हु सीजन्स हिज जस्टिस विद मर्सी बिकम्स लाइक गॉड हिमसेल्फ। अगर किंग है जो हु सीजन्स हिज जस्टिस, अगर उसको न्याय करने का मौका मिलता है दयालुता के साथ, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, एक गॉड बन जाता है। मर्सी अडोर्स अ किंग बेटर देन हिज क्राउन। मर्सी है जो वो क्या करती है, किंग को बेटर बना सकती है उसके क्राउन से। द रॉड ऑफ अथॉरिटी इन हिज हैंड कैन ओनली प्रोड्यूस फियर इन द हर्ट्स ऑफ मैन। जो अथॉरिटी की रोड हमने पकड़ी होती है हाथ में कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, पावर है, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, वो लोगों के मन में डर ही पैदा करती है। बट जो क्वालिटी है मर्सी की, वो लोगों के दिलों को जीतती है। स्लेव्स जो होते हैं उनके अधिकारों को जीतती है। इसलिए मर्सी पावरफुल है किंग की पावर से, मतलब किसी भी पावर से ज़्यादा पावरफुल क्या है, मर्सी है, दया है। ठीक है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाई डज द स्पीकर कंपेयर मर्सी विद जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। वो क्यों कंपेयर करता है दया को मर्सी को, भी वो स्वर्ग में एक रेन की तरह है। द स्पीकर कंपेयर्स मर्सी विद जेंटल रेन बिकॉज द टू आर सो लाइक ईच अदर। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। बोथ आर हेवनली थिंग, दोनों स्वर्ग की चीज़ें हैं। दे कम नेचुरली एंड इफेक्टलेसली, दोनों ही नेचुरल और इफेक्टलेसली हैं। दे आर नॉट स्लेव टू एनी कंप्लीशन, ये किसी के अंडर काम नहीं करते। बोथ हैव अ प्लेजेंट एंड सूथिंग इफेक्ट, दोनों के पास ही बहुत प्लेजेंट और सूथिंग इफेक्ट है। रेन से भी हमें खुशी मिलती है और दया से भी मिलती है। हु हाउ इज मर्सी ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस कैसे है, गिवर और टेकर दोनों को। तो गिवर को कैसे थी, उसको जो गिवर अगर जो 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 सिंपथी करता है, दया रखता है, वो क्या हो जाता है, उसको मन की शांति मिलती है। ठीक है, गॉड की का प्यार मिलता है। और जिसको हम दया दिखाते हैं उसकी पेन रिलीव हो जाती है। तो मर्सी इज़ अ डबल ब्लेसिंग। इट ब्लेस बोथ एंड गिवर एंड टेकर। द गिवर विन द लव ऑफ गॉड, लोग परमात्मा का प्यार जीतता है, और टेकर जो होता है उसकी पेन और मर्सी है जो रिलीव हो जाती है। दस मर्सी इज, इसलिए वो ट्वाइस ब्लेस्ड है। हाउ इज मर्सी अकॉर्डिंग टू स्पीकर अबव द स्क्रिप्टेड स्वेयर ऑफ किंग्स। मीन्स अ रॉड विच इज़ अ सिंबल ऑफ किंग्स पावर। रॉड मतलब एक डंडा जिसके दम पे हम किसी को अपना काम करवा सकते हैं, वो किंग की पावर हो गई। दिस रॉड कैन ओनली प्रोड्यूस फियर इन द हर्ट्स ऑफ मैन। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ डंडे के जोर पे तो क्या होगा बेटा, आप मेरे से डरोगे, मैडम आ गए चलो चलो पढ़ो बैठ के। अगर मैं वही आपको प्यार से पढ़ाऊँ तो आप मेरे से प्यार से पढ़ोगे, आप पे दया करूँ तो आप प्यार से पढ़ोगे, तो ये क्या हो गया। इसलिए बट द मर्सी सबब था, पर मर्सी है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। दस आ किंग हु अनथ्रोन मर्सी इन हिज हर्ट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड इन
हिमसेल्फ। तो ये एक मर्सी है जो दिल में होती है, गॉड की अपनी एक क्वालिटी है। वाई शुड जस्टिस बी सीजन्ड विद मर्सी, गॉड इज जस्ट बट ही इज़ ऑल्सो मर्सीफुल। गॉड भी है और वो मर्सीफुल भी है। इवन इन परस्यूइंग द सिनर, अगर हम सिनर को सजा भी देते हैं, ही इज़ गाइडेड बाई मर्सी, तो उसको किससे गाइड करना चाहिए? दया से। किंग जो है वो एक गॉड बन सकता है अगर वो जस्टिस किसके साथ करेगा? मर्सी, दया के साथ करेगा। वट इज़ अ सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस एग्जैक्ट अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मर्सी इन ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर में जो दया की भावना को की इम्पॉर्टेंस बताई गई है। मर्सी ब्लेस्ड विद बोथ गिवर एंड टेकर, दोनों को ब्लेस करता है, ह्यूमनली क्वालिटी है। किंग है जो वो गॉड बन सकता है अगर वो जस्टिस है वो मर्सी के साथ करेगा तो। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी पोइम। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।